हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम विशाल शर्मा है और आपका दी यूनियन एकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन कर रहे थे, हमने इसकी शुरुआत कल कर दी थी। और इसके जो मैंने आपको सबसे इसको हमने बताया मैंने बताया था कि आपको जो हम चार रूल्स हैं इसके, उसमें हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। जो पहला पहला रूल था, रूल्स ऑफ कनेक्शंस, वो मैंने आपको कल करा दिया पिछली क्लास में। उसके बाद मैं जो रूल नंबर दो है, जो रूल रूल्स ऑफ चेंज इन पर्सन्स, उसका एक पार्ट मैं आज आपको आज कराऊंगा। तो हम देखते हैं कि उसका हम यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो रूल्स ऑफ चेंज इन पर्सन्स है, इसमें हम जानेंगे कि हम जो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं, चेंज करते हैं, तो जो पर्सन होते हैं, आई वी यू दे, ये जितने भी, इसको हम चेंज कैसे करते हैं। इसमें सिर्फ हम इतना ही जानेंगे कि हम पर्सन्स को हम चेंज कैसे करते हैं। सो जो रूल नंबर सबसे फर्स्ट है इसमें, वो है आई और वी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। सो हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल नंबर एक से। सो पहला एग्जाम्पल है, ही सेड आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट। सो फ्रेंड्स, इसमें जो ये सब्जेक्ट आई है, ये ही के लिए आया है, क्योंकि इसका जो हम अगर ट्रांसलेट करते हैं, इसका मतलब होता है उसने कहा कि मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। सो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, सो हम जो आई है उसको ही के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जैसे कि ही सेड दैट ही। सो फ्रेंड्स, हमने आई का ही बना दिया। सो ही के बाद वॉज वर्किंग ऑन, फिर जो फ्रेंड्स ये माई है, ये भी ही के लिए आई है, सो हम इसको भी हिस कर देंगे, माई का हिस कर देंगे प्रोजेक्ट। सो ये इस प्रकार हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज वर्किंग ऑन हिस प्रोजेक्ट। इसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है, मच सेड टू मी आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ दी अपॉर्चुनिटी। सो फ्रेंड्स, इसमें भी हम देखेंगे कि जो ये आई है, ये मोहित के लिए आया है, और जो माई सेल्फ है, ये भी मोहित के लिए आया, ये दोनों ही। सो हम इन दोनों को मोहित के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो हम देखते हैं, जैसे कि मोहित टोल्ड मी दैट, आई की जगह हम कर देंगे ही, क्योंकि मोहित के लिए जो प्रोनाउन आएगा वही आएगा। फिर अवेल्ड हिमसेल्फ, माई सेल्फ का हिमसेल्फ, ऑफ दी अपॉर्चुनिटी। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर तीन है वो है, दे सेड टू मी वी हैव टू टॉक अबाउट अवर बिजनेस। सो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि दे सेड टू मी वी, सो फ्रेंड्स जो ये वी है, ये जो दे है इनके लिए आया हैव टू टॉक अबाउट ओवर। सो फ्रेंड्स, ये ओवर है, ये भी दे के लिए आया है। सो इसमें हम अगर चेंज करेंगे तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे। तो सो दे टोल्ड मी दैट दे, सो फ्रेंड्स हम वी का कर देंगे दे, हैव का हेड टू टॉक अबाउट, और ओवर का दियर कर देंगे फ्रेंड्स हम, दे के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देंगे बिजनेस। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है, आई सेड टू हिम यू आर एन अमेजिंग आर्टिस्ट। सो फ्रेंड्स, इसमें जो यू है, इसमें बात ही हो रही है कि मैंने उससे कहा कि तुम एक बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट हो। सो फ्रेंड्स, ये यू सब जो वक्त है उसके लिए नहीं आ रहा है, जबकि जो वो किसी और को कह रहा है, इस उसके लिए आ रहा है। सो ये यू फ्रेंड्स हिम के लिए आ रहा है। सो जब हम इसको चेंज करेंगे, तो हम इसको हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जैसे कि आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज एन अमेजिंग आर्टिस्ट। सो फ्रेंड्स, आई टोल्ड हिम दैट ही, सो फ्रेंड्स हमने यू को हिम के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो हमने ही लिख दिया, वॉज एन अमेजिंग आर्टिस्ट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम अगली क्लास में जो रूल नंबर टू है, इसके कुछ बचे हुए और भी रूल्स हैं वो करेंगे। और फ्रेंड्स, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और जो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो आज के लिए थैंक यू गाइस।